उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं। देश में विधानसभा चुनाव 2022 सात चरणों में होंगे। यूपी में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ साथ किसान तेजिंदर सिंह भी शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के खिलाफ अन्य संकल्प लिया और गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यदि वह विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा, किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा।